हेलो दोस्तों, और स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। गणेश चतुर्थी का त्योहार है तो मोदक तो बनाना बनता ही है, तो चलिए झटपट मोदक की रेसिपी शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप सूजी। मैंने यहाँ पे लिया है बारीक सूजी। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है और मोटी वाली सूजी है तो उसे एक बार आप ग्राइंडर में चलाकर उसे बारीक कर ले, पर आपको बारीक सूजी ही यूज करना है, उससे स्वाद बढ़िया आता है। अब हम यहाँ पे लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे घी, और घी को हम होने देंगे गरम। घी हमारा गरम हो चुका है तो आइए इसमें अब हम डालते हैं सूजी। सूजी डालते वक्त आप गैस को लो फ्लेम पे कर दें और इसे कंटिन्यूअस स्टर करते रहें। आपको बस सूजी का कच्चा स्वाद हटाना है, सूजी का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इसे धीमी आंच पर इसी तरह चलाते रहें। करीब 3 से 4 मिनट के बाद सूजी हमारे यहाँ पे भुना चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। आपको भी ध्यान रखना है कि इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस इसका रॉ स्मेल या रॉ टेस्ट नहीं आना चाहिए। हमने सूजी को ट्रांसफर कर लिया है एक बाउल में। सूजी को साइड करने के बाद हम दोबारा कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें अब हम डालेंगे 2 कप दूध। दूध में हम आने देंगे बॉयल। दूध हमारा यहाँ गर्म हो चुका है तो यहाँ पे हम उसमें डालते हैं 1/2 कप चीनी। चीनी डालने के बाद दूध को हम इसी तरह स्टर करेंगे ताकि चीनी अच्छे से दूध के साथ मिल जाए या गल जाए। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, और उसके बाद धीरे धीरे रोस्ट की हुई सूजी को हम इसमें मिलाएंगे। सूजी मिलाते वक्त गैस का फ्लेम हम कर देंगे लो और इसे कंटिन्यूस स्टर करते हुए मिलाना है ताकि सूजी में कोई लम्स फॉर्म ना हो, और उसके बाद इसे तब तक हमें पकाना है जब तक कि हमारी सूजी पूरी ड्राई ना हो जाए। सूजी हमारा ड्राई हो चुका है और ये किनारों से चिपक भी रहा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे डाला है घी ताकि ये किनारों से ना चिपके। अच्छे से हमने यहाँ पे मिला दिया है। गैस को अब हम कर देंगे बंद और इसमें हम डालेंगे अब टूटी फ्रूटी। यहाँ मैंने 2 से 2.5 चम्मच टूटी फ्रूटी का प्रयोग किया है। अगर आपको कम या ज्यादा लगे आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी। टूटी फ्रूटी की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप अल्टर कीजिए, जितना लगे आप उतना डालें। अब हम इसे एक प्लेट में फैला देते हैं और इसे होने देते हैं ठंडा। करीब 1/2 घंटे हो चुका है और 1/2 घंटे बाद ये ठंडा हो चुका है, तो अब हमने हाथों को कर लिया है गीला और इसे हम करीब 2 से 3 मिनट के लिए हाथों से मैश करेंगे। हाथों में पानी लगे होने के कारण ये आपके हाथों से सूजी चिपकेगा नहीं। तो आइए मोदक बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ड्राई फ्रूट जिसे मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है छोटे छोटे, जिसमें मैंने बादाम, किशमिश, काजू लिया है। आप अपने अनुसार और भी ड्राई फ्रूट चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिना सांचे का मोदक कैसे बनाना है हम उसका प्रोसेस दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा गोला लिया है सूजी का जिसे हम सर्कल बनाएंगे, और इसमें हम बीच में स्पेस बनाकर इसमें हम स्टफ कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। इसे हम क्लोज कर देंगे। जैसे हम स्टफ पराठा बनाते हैं प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब हम इसे मोदक का शेप देना शुरू करते हैं। अब बीच से हम इसे थोड़ा सा ऊंचा मोदक का शेप देने के लिए पॉइंटेड शेप देंगे। नीचे से इसे फ्लैट कर देंगे ताकि ये अच्छे से स्टैंड कर सके। और एक
टूथपिक की मदद से हम इसमें किनारे मोदक में जैसे डिजाइंस होते हैं कट वाले, वो वाला मार्क देंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने टूथपिक का प्रयोग किया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिना सांचे का कितना सुंदर मोदक बना है। अब हम इसी तरह सारे मोदक को तैयार कर लेंगे। तो आइए एक बार मैं फिर से आपको दिखाती हूँ कि हम इसे कैसे शेप देते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। टूथपिक से हम यहाँ पे फिर से वो कट वाला मार्क या डिजाइन दे रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ मैंने सारे मोदक को रेडी कर लिया है। बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप हमारा ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हमें उसका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।